सेल्फ नुमा चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं आपके साथ एक हॉरर मूवी को हिंदी में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि काफी डरावनी है और जिसको देख के मुझे तो दादी नानी सब याद आ गया था भाई। इस मूवी का नाम है मेलेग्नेंट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 और इसको 10 सितंबर को रिलीज किया गया था और अगले महीने तक ये HBO मैक्स पर भी रिलीज हो जाएगी। और इसको मिक्स रिव्यूज मिले हैं। कुछ क्रिटिक्स के हिसाब से इसका एवरेज सा प्लॉट है और कुछ को काफी ज्यादा पसंद आई है। और मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए काफ़ी अच्छे गिवअवेज भी चल रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं और सीधा चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 1993 से, जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर को दिखाया जाता है, जिसमें वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और जिसमें वो एक साइकेट्रिक पेशेंट गैब्रियल के बारे में बताती हैं और वो गैब्रियल की पावर्स के बारे में भी बताती हैं और कहती हैं वो बहुत वॉयलेंट हो गया है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसी टाइम कॉरिडोर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और डॉक्टर वीवर बाहर जाके देखती हैं, तब तक गैब्रियल काफ़ी लोगों को मार चुका था। गैब्रियल एक पेशेंट है जो सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल में एडमिट है और उसमें बहुत सी पावर्स हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है एंड इनफैक्ट बातें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, स्पीकर्स एक्सेट्रा। और इस सीन में ये भी बताते हैं कि गैब्रियल एक छोटा बच्चा है एंड इनफैक्ट जब उसे कर्टन के पीछे से दिखाते हैं वो एक इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। डॉक्टर वीवर अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत ही मुश्किल से गैब्रियल को बेहोश कर देती हैं, पर तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है और काफ़ी लोग भी मर चुके थे। और डॉक्टर वीवर अपनी टीम के साथ वहां बात कर रही थी और तभी रेडियो से गैब्रियल की आवाज़ आती है दैट आई विल किल यू ऑल, एंड तब वो समझ जाती हैं कि सिचुएशन अब उनके हाथ से बाहर है और वो अपनी टीम को कहती हैं कि इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर। इसके बाद मूवी का सीन स्विच होता है सीधा 27 साल बाद सियाटल में। वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी मैडिसन लेक अपने हस्बैंड डेरेक के साथ रहती हैं और वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाती हैं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और डेरेक से बोलती हैं कि उसे रेस्ट करना है क्योंकि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। और डेरेक से बिना पूछे वो टीवी स्विच ऑफ कर देती हैं एंड बीइंग एन अब्यूसिव हस्बैंड डेरेक और उसकी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है और डेरेक बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि पहले ही उसका 3 बार मिसकैरेज हो चुका था, और अपना हाथ गुस्से में उसके पेट पर रखता है और मेडिसिन उस बात पर गुस्से में रिएक्ट करती है और डेरेक अपने आपे से बाहर हो जाता है और उसका सर ज़ोर से दीवार पे मार देता है और मेडिसिन के सर से बहुत खून निकलने लगता है और डेरेक देखता है कि दीवार भी क्रैक हो गई है। और इसके बाद डेरेक को रियलाइज़ होता है कि उसने ये गलत किया है, पर मेडिसिन उसकी नहीं सुनती और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रात हो गई है और मेडिसिन अपने कमरे में सो रही है और डेरेक नीचे ड्राइंग रूम में, और तभी अचानक से डेरेक को किचन मिक्सर चलने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो किचन में जाके मिक्सर बंद करता है फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। डेरेक थोड़ा घबरा जाता है और तभी टीवी ऑन हो जाता है और उसे ड्राइंग रूम में किसी की परछाई दिखती है, और जैसे ही वो वहाँ जाता है वहाँ कोई नहीं होता, पर सोफ़ा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उस पर कोई बैठा था। तभी पीछे से एक परछाई डेरेक पे अटैक कर देती है और डेरेक की गर्दन पूरी तरह से घुमाकर उसे मार डालती है। तभी मेडिसिन डर के उठ जाती है और उसे लगता है कि उसने बहुत ही डरावना सपना देखा है। उसके बाद मेडिसिन ड्राइंग रूम में जाती है और डेरेक की बॉडी को देखकर काफ़ी घबरा जाती है, और तभी वो परछाई पीछे से आकर उस पर भी अटैक करती है और मेडिसिन बेहोश होकर गिर जाती है, और थोड़ी देर में उसके घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस डेरेक की डेड बॉडी को देखकर काफ़ी शॉक में आ जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा ब्रूटल मर्डर पहले कभी नहीं देखा था। डेरेक को काफ़ी ब्रूटली मारा गया था। मेडिसिन को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वो बच जाती है पर उसका फिर से मिसकैरेज हो जाता है। मेडिसिन जैसे ही होश में आती है उसके सामने उसकी बहन
सिडनी होती है और वो उसे बताती है कि डेरेक इज डेड एंड शी हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हर बेबी। और ये सुनकर मैडिसन बहुत रोती है और बिल्कुल टूट जाती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे इंस्पेक्टर शॉ हॉस्पिटल आते हैं मैडिसन की स्टेटमेंट लेने के लिए, पर मैडिसन की हालत काफ़ी ख़राब थी और वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी। यहाँ से सीन स्विच होता है इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की तरफ, शॉ एंड हिज पार्टनर रेजिना मॉस। और ये दोनों को डाउट है कि डेरेक का मर्डर मैडिसन ने ही किया है, क्योंकि उन्हें घर में कोई और एविडेंस नहीं मिला है, और क्योंकि डेरेक और मैडिसन का रिलेशन काफ़ी अब्यूसिव था, इसीलिए उनका डाउट सीधा मैडिसन पे जाता है। अब मूवी में 2 वीक्स आगे का सीन दिखाते हैं, जिसमें सिडनी अपनी बहन मैडिसन को उसके घर ड्रॉप करती है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के। और उसी शाम मैडिसन अपने रूम की विंडो से बाहर देखती हैं, जहां उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है और वो काफ़ी डर जाती है और वो सभी विंडोज़ और डोर को पूरी तरीके से सील कर देती है। नेक्स्ट डे सिडनी उससे मिलने आती है और मैडिसन सिडनी को बताती है कि वो दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। जब मैडिसन 8 साल की थी तब सिडनी के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था, और ये सब सुनकर सिडनी काफ़ी अपसेट हो जाती है। मैडिसन उससे ये भी बताती है कि उसके लिए ये बच्चा काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो बायोलॉजिकली उसका था, क्योंकि उसकी माँ भी उसे पैदा करते ही मर गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लेडी की तरफ, और जो एक ग्रुप को सिएटल अंडरग्राउंड का टूर दे रही थी, और उसे ये अननोन किलर किडनैप कर लेता है और उसे एक घर में बंद कर लेता है, और उसे बात करने के लिए रेडियो का यूज़ करता है, और इसे ये पता लग जाता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है। गैब्रियल उस लेडी के सामने डॉक्टर वीवर को कॉल करता है और बोलता है इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर, एंड डॉक्टर वीवर ये सुन के काफ़ी शॉक हो जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मैडिसन के घर की तरफ, और उसे एक लेडी जो बहुत डरी हुई थी भागते हुए दिखती हैं, और वो लेडी थी डॉक्टर वीवर। मैडिसन शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड सडनली वो फ्रीज हो जाती है, और दिखाते हैं मैडिसन डॉक्टर वीवर के घर में बैठी हैं और गैब्रियल उन्हें काफ़ी ब्रूटली मार रहा होता है और वो कुछ कर भी नहीं पा रही होती। और कुछ देर बाद मैडिसन का घर दिखाते हैं और वो वहाँ फ्रीज बैठी हुई थी। और यहाँ खुलता है मूवी का एक सबसे बड़ा सस्पेंस, और पता लगता है कि मैडिसन ये सब विजुलाइज कर रही थी और ये मर्डर होते हुए उसे विजुअल्स दिख रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर शॉ और मॉस डॉक्टर वीवर के घर क्राइम सीन पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ भी उन्हें ज़्यादा कोई एविडेंस नहीं मिलते, बस मर्डर वेपन ट्रॉफी का एक पार्ट और एक बच्ची की फ़ोटोग्राफ देखती है। और इंस्पेक्टर शॉ वो फोटोग्राफ अपनी टीम के मेंबर को दे देते हैं ताकि इस बच्ची के बारे में वो कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। तब सीन स्विच होता है डॉक्टर फील्ड्स की तरफ, और वो डॉक्टर वीवर के मर्डर से काफ़ी परेशान थे और ट्राई करते हैं कि उन्हें नींद आ जाए, और तब मेडिसिन को दिखाते हैं और वो फ्रीज हो गई है और डॉक्टर फील्ड्स के साथ लेटी हुई है, और गैब्रियल उसी सेम ट्रॉफी से डॉक्टर फील्ड्स को भी बुरी तरह से मार देता है। और इस सीन में बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि गैब्रियल की पूरी बॉडी उल्टी थी और उसका फेस भी दिखाते हैं जो बहुत ही डिफॉर्म था। और मर्डर के बाद मेडिसिन वापस अपने रूम में दिखती है, वो इस मर्डर को भी विजुलाइज कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मैडिसन अपनी सिस्टर सिडनी के साथ ऑफिसर शॉ और ऑफिसर मॉस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसने डॉक्टर फील्ड्स का मर्डर विजुलाइज किया है, और वो दोनों को उसकी बात पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता, पर मैडिसन के इंसिस्ट करने पे वो उसके साथ डॉक्टर फील्ड्स के घर जाते हैं, और वहाँ डॉक्टर फील्ड्स की डेड बॉडी देख कर वो लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं, और मेडिसिन ऑफिसर्स की हेल्प करती है गैब्रियल का स्केच बनाने में, लेकिन वो स्केच देखकर उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मेडिसिन वॉशरूम में जाती है और जहां उसे एक कॉल आता है, और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि गैब्रियल का ही था, और वो मेडिसिन को एमली करके बुलाता है, और उनकी कॉन्वर्जेशन से ये बिल्कुल क्लियर था कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर मेडिसिन उसे भूल गई है, और जो लोगों की वजह से एमिली गैब्रियल को भूल गई थी गैब्रियल उसे मार डालेगा, और ये बोल के गैब्रियल कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तब मेडिसिन को रियलाइज़ होता है ये जो कुछ भी हो रहा है इसका रिलेशन उसके पास से है,
और ये जानने के लिए वो सिडनी के साथ अपनी माँ के घर जाती है और वहाँ जाकर उसकी माँ से गैब्रियल के बारे में पूछती है और उसका नाम सुनकर उसकी माँ काफ़ी डर जाती है और मेडिसिन के इंसिस्ट करने पर उसे उसके 9th बर्थडे की वीडियो दिखाती है जिसमें दिखता है कि मेडिसिन किसी से बात कर रही थी और वो उसकी इमेजिनेशन है बस, और ये इमेजिनरी फ्रेंड उसे हमेशा नेगेटिव दिखाता था। इनफैक्ट जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी वो उसे प्रोवोक करता था कि वो इस बच्चे को मार दे क्योंकि इस बच्चे के आने के बाद उसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, और ये वीडियो देख के मेडिसिन काफ़ी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर शॉ को दिखाते हैं और उसके हाथ में उसी बच्ची का फोटो होता है जो उसे डॉक्टर वीवर के घर पर मिली थी, और एक दूसरी फोटो थी जो मेडिसिन की थी। ऑफिसर शॉ केस के बारे में फर्दर जानने के लिए डॉक्टर वीवर की फाइल्स और सामान को देखता है और उसमें से उसे कुछ पेन ड्राइव्स मिलती हैं जिसमें उनके पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड थी, और एक फोल्डर था एमिली मे 1992 के नाम से। ऑफिसर शॉ वो वीडियो ऑन करते हैं और डॉक्टर वीवर उसमें बताती हैं एमिली के बारे में जो इस हॉस्पिटल में सालों से रह रही हैं और अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और अब वो चीज़ें विजुलाइज करने लगी है और वो सबको बताती है कि डेविल उससे बातें करता है। एमिली यानी कि मेडिसिन गैब्रियल को डेविल बुलाती थी और जब एमिली को एडॉप्ट कर लिया था तो उसकी माँ ने उसका नाम चेंज करके मेडिसिन रख दिया था। उस वीडियो में डॉक्टर वीवर ये भी बताती हैं कि 3 डॉक्टर्स मिलके एमिली का ट्रीटमेंट कर रहे थे जिसमें से एक थी डॉक्टर वीवर, दूसरे थे डॉक्टर फील्ड्स और तीसरे डॉक्टर ग्रेगोरी, और ये देखते ही ऑफिसर शॉ को समझ आ जाता है कि अब किलर डॉक्टर ग्रेगोरी को मारने जाएगा क्योंकि पहले 2 डॉक्टर्स को वो ऑलरेडी मार चुका है, और ऑफिसर शॉ डॉक्टर ग्रेगोरी के एड्रेस को ढूंढने लगते हैं। तभी मूवी का सीन स्विच होता है मेडिसिन की तरफ और दिखाते हैं वो दोबारा से फ्रीज हो गई है और अब गैब्रियल ने उसके सामने डॉक्टर ग्रेगोरी को भी बुरी तरह से मार दिया है, और उसी टाइम वहाँ पे ऑफिसर शॉ पहुँच जाते हैं और मेडिसिन उसे बहुत बताने की कोशिश करती है कि किलर अभी भी वहीं हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ऑफिसर शॉ ना ही मेडिसिन को देख पा रहे थे और ना ही सुन पा रहे थे, और अचानक से गैब्रियल शॉ पर अटैक कर देता है और ऑफिसर शॉ बच जाते हैं और उस पर शूट करना शुरू करते हैं और गैब्रियल वहां से भाग जाता है। इस सीन में दिखाते हैं कि गैब्रियल का सर उल्टा है और कैसे वो उल्टा भागता है वहां से, और ये सब देखकर ऑफिसर शॉ काफ़ी शॉक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा करना किसी इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और इस लड़ाई में ऑफिसर शॉ ने गैब्रियल का फेस देख लिया था और ये फेस काफ़ी सिमिलर था मेडिसिन के बनवाए हुए स्केच से। उसका फेस देख के ऑफिसर शॉ समझ जाते हैं कि मेडिसिन और गैब्रियल का कोई पास्ट रिलेशन है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर शॉ एक हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ मेडिसिन के घर जाते हैं और पहले उसे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछते हैं, पर जब उसे कुछ याद नहीं आता तब हिप्नोसिस की हेल्प से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जानने का ट्राई करते हैं, और जिससे पता लगता है कि गैब्रियल बचपन में उससे बातें करता था और कैसे सिडनी को मारने की इंस्ट्रक्शंस देता था जब वो अपनी माँ के पेट में थी, क्योंकि गैब्रियल डरता था कि सिडनी के आने के बाद एमिली उसे भूल जाएगी, और सच में एमिली उसे भूल गई थी जैसे ही सिडनी का जन्म हुआ था। इनफैक्ट वो तो अपना नाम भी भूल गई थी कि उसका नाम एमिली था, और ये सेशन चल ही रहा था तभी जिस लेडी को गैब्रियल ने किडनैप किया था वो किसी तरह से अपने आप को अनटाई करके बाहर आ जाती है और सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और पता लगता है कि गैब्रियल ने उस लेडी को किडनैप करके मेडिसिन के घर में ही कैद किया हुआ था। और जब ऑफिसर मॉस और शॉ उस रूम की तलाशी लेते हैं तब वहां पर उन्हें गैब्रियल के कपड़े और वेपन्स भी मिलते हैं, और ये सब देखने के बाद ऑफिसर्स मेडिसिन को अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ऑफिसर शॉ और मॉस मेडिसिन से मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और एकदम से सारी लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं और ऑफिसर शॉ को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि गैब्रियल का है, और इस फोन कॉल से ऑफिसर शॉ और मॉस बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेडिसिन उनके सामने बैठी है तो कॉल कौन कर रहा है।
तब ऑफिसर शॉ गैब्रियल से पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है एमिली बताएगी वो कौन है और वो उसे बचपन में क्या बुलाती थी। और तब मेडिसिन रिप्लाई करती है कि वो उसे डेविल बुलाती थी। मेडिसिन दरअसल गैब्रियल को सिडनी के जन्म के बाद भूल गई थी और अब उसे गैब्रियल दोबारा याद आ रहा है। ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद मेडिसिन को दोबारा जेल में बंद कर दिया क्योंकि अभी तक किलर के बारे में कुछ पता नहीं लगा था। दूसरे ही सीन में दिखाते हैं कि सिडनी सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल पहुंच गई है मेडिसिन के पास को डिटेल में जानने के लिए, लेकिन वहां पर पहुँच कर वो देखती है कि हॉस्पिटल बिल्कुल सुनसान पड़ा है और वो अंदर जाती है और वहाँ उसे एमिली यानी कि मेडिसिन की केस फाइल और हिस्ट्री मिल जाती है और वो वहाँ से कुछ टेप्स लेकर वापस अपने घर पहुँच जाती है और अपनी माँ के साथ बैठकर वो वीडियोस देखना शुरू कर देती है। और इस टाइम पे मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलेगा जिसने मेरे तो होश उड़ा दिए हैं और आई एम श्योर आपके होश भी उड़ जाएंगे इस सस्पेंस से। सिडनी एक टेप स्टार्ट करती है जिसमें एमिली की माँ सेरिना मे की वीडियो रिकॉर्डेड की और उसमें उसने बताया था कि वो 15 साल की एज में प्रेग्नेंट हो गई थी और वो एक रेप विक्टिम थी और इसीलिए उसने एमिली को इस हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। और सेरिना अभी ज़िंदा है और वो वही लेडी है जिसको गैब्रियल ने किडनैप करके मेडिसिन के घर में छुपाया था। और मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि गैब्रियल और कोई नहीं बल्कि एमिली का ट्विन ब्रदर है और वो एमिली की बॉडी में ही रहता है और ये टेराटोमा का एक्सट्रीम वर्जन है जो एक पैरासिटिक ट्यूमर है। एक्चुअली जब एमिली और गैब्रियल का जन्म हुआ था तब गैब्रियल उसके साथ जुड़ा हुआ था और एमिली और गैब्रियल सेम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शेयर करते थे और जब गैब्रियल का ब्रेन चलता था एमिली फ्रीज हो जाती थी। गैब्रियल डिफॉर्म था और उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया था इसलिए वो एमिली की बैक से ही चिपक गया था। और जब गैब्रियल की वजह से एमिली बहुत वॉयलेंट हो गई थी तब डॉक्टर वीवर ने ऑपरेट करके गैब्रियल को एमिली से अलग कर दिया था पर गैब्रियल का कुछ पार्ट तब भी एमिली के अंदर रह गया था और गैब्रियल ही वो कैंसर था जिसके बारे में डॉक्टर वीवर ने मूवी की स्टार्टिंग में बोला था। और गैब्रियल ने जिन तीन डॉक्टर्स को मारा था उन्होंने ही एमिली की बॉडी से गैब्रियल को अलग किया था। गैब्रियल सिडनी के जन्म के बाद डोरमेंट हो गया था और मेडिसिन उसे पूरी तरह से भूल गई थी। जब डेरिक ने उसका सर दीवार पे मारा तब उसका सर फट गया और गैब्रियल दोबारा से एक्टिव हो गया। और इसी के साथ हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और क्राइम सीन्स के एविडेंस और फिंगरप्रिंट्स का सस्पेंस भी समझ आने लगता है और क्यों गैब्रियल की बॉडी उल्टी थी ये भी समझ आ जाता है और गैब्रियल मेडिसिन की उल्टी बॉडी से ही सबके मर्डर्स कर रहा था और ये भी पता लगता है क्यों मर्डर्स को मेडिसिन विजुलाइज कर रही थी पर रोक नहीं पाती थी और फ्रीज हो जाती थी। तभी सीन स्विच होता है मेडिसिन की तरफ जेल में। वहाँ दिखाते हैं कि जेल में उसके साथ बंद एक क्रिमिनल मेडिसिन को प्रोवोक कर रहा है और तब इस सीन में गैब्रियल को बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे वो मेडिसिन के सर से बाहर आता है और कैसे उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद गैब्रियल सभी क्रिमिनल्स और स्टाफ को मार डालता है और वो भी बहुत ब्रूटली और पूरे पुलिस स्टेशन में सब जगह बस खून ही खून दिखाई दे रहा था। इस अटैक में ऑफिसर शॉ और मॉस को भी काफ़ी चोट आई थी और इसके बाद गैब्रियल अपने कपड़े और वेपन्स उठा के वहाँ से चला जाता है और ऑफिसर शॉ को समझ आ जाता है कि वो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल अपनी माँ को मारने गया है और ऑफिसर शॉ भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच के गैब्रियल पहले सिडनी से मिलता है और सिडनी पे अटैक कर देता है और सिडनी उस टाइम अपनी बहन मेडिसिन को बताती है कि उसके मिसकैरेजेस का रीज़न और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है क्योंकि वो उसके फिटस से एनर्जी लेता था। और ये सब सुन के मेडिसिन बहुत गुस्से में आ जाती है और पहली बारी वो ट्राई करती है अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने का और गैब्रियल उसकी माँ और सिडनी को मार देता है
अभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सेरिना और सिडनी जिंदा हैं और गैब्रियल उन्हें नहीं मार पाया क्योंकि मेडिसिन ने इस बार अपनी बॉडी का कंट्रोल लिया और सिडनी और उसकी माँ के मर्डर्स के विजन्स गैब्रियल को दिखाकर उसके ब्रेन को ट्रिक किया एंड फाइनली उसने गैब्रियल को कंट्रोल करना सीख लिया और अपने ब्रेन को भी। और अब गैब्रियल उसके दिमाग के किसी कोने में कैद है और जाते जाते गैब्रियल उसे बोलता है कि वो वापस आएगा और मेडिसिन कहती है वो तैयार है उससे लड़ने के लिए। उसके बाद मेडिसिन सिडनी को हक करती है और कहती है उसे किसी भी ब्लड रिलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ है और वो उनसे बहुत प्यार करती है और हमेशा इनके साथ ही रहेगी। और उसकी माँ दोनों को बहुत खुशी से देख रही थी। तभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आवाज़ आती है और इसके साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है पर मूवी के सीक्वल के सस्पेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो गाइज एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और फर्स्ट टाइम विजिटर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नॉट टू फॉरगेट 5 लकी सब्सक्राइबर्स हैव अ चांस टू विन अमेज़न वाउचर्स सो सब्सक्राइब टू सिनेमा बातचीत नाउ। टिल देन स्टे कनेक्टेड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।